दोस्तों आज हम आपको दक्षिण अमेरिका की एक बेहद ही खूबसूरत कंट्री के बारे में बताने वाले हैं, जहां की महिलाएं बहुत ही सुंदर मानी जाती हैं और इस देश के बीचेस का तो क्या ही कहना। दोस्तों हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसका नाम है उरुग्वे, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है। उरुग्वे की कैपिटल मोंटेवीडियो है और देश की 45% के लगभग आबादी इसकी राजधानी में ही बसी हुई है। साथ ही यह उरुग्वे का सबसे बड़ा शहर भी है। अगर क्षेत्रफल की बात करी जाए तो इस देश का एरिया 176,215 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। उरुग्वे देश की आबादी 34,70,000 के लगभग है। इस देश का मुख्य धर्म ईसाई धर्म है, जो कुल आबादी का 58% से भी अधिक है और बाकी के बहुत सारे लोग किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखते। इस देश की मुद्रा उरुग्वेयन पीसो है, जो भारत देश के 1.67 रुपए के बराबर है। उरुग्वे को प्राकृतिक तौर से बेहद ही खूबसूरत देश माना जाता है। यह इतना सुंदर है कि इसको दक्षिण अमेरिका का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। सूरीनाम के बाद उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। इस देश का राष्ट्रगान दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रगान है, जो लगभग 6 मिनट से अधिक चलता है। उरुग्वे दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां नेशनल डिश सैंडविच रखी गई है। साल 1985 से पहले इस देश में मिलिट्री शासन था, लेकिन बाद में यह लोकतांत्रिक सरकार से चलने वाला देश बना। उरुग्वे देश दुनिया का वो पहला देश है जिसने साल 2009 में देश के सारे स्कूल के बच्चों को लैपटॉप और इंटरनेट दिए थे। इस देश के लोगों को गाय से बहुत प्यार है, इसीलिए यहाँ गाय की आबादी इंसानी आबादी से भी 3 गुना है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का वह पहला देश है जिसने सेम सेक्स शादी को कानूनी रूप से 5 अगस्त साल 2013 में मान्यता दी थी। इस देश में सिगरेट पीने पर सख्त रूप से रोक लगाई गई है। उरुग्वे दुनिया का वो पहला देश है जहां पे फीफा वर्ल्ड कप आयोजित कराया गया और जो पहला वर्ल्ड कप जीतने में भी सक्षम हुआ था यही देश। उरुग्वे देश की टीम ने साल 1930 में फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। इस देश के आदमी प्रति इनकम भारत से 3 गुना अधिक है। साथ ही यहां का रहन सहन काफी अच्छा माना जाता है। उरुग्वे में करप्शन की मात्रा पूरे दक्षिण अमेरिका में सबसे कम है। इस देश के पैसों का एक हिस्सा टूरिज्म से भी आता है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। इस देश का सबसे बड़ा राज्य यहाँ की राजधानी मोंटेवीडियो है। उरुग्वे देश की संस्कृति काफी मॉडर्न मानी जाती है। इस देश की राष्ट्रीय भाषा स्पेनिश है। यहाँ की 88% से 94% आबादी यूरोपीय अभाव के मिश्रण वर्ण के लोगों से बनी हुई है। उरुग्वे की जमीनी सीमा केवल ब्राजील से उत्तर में रियो ग्रैंड दो सुल से मिलती है। इसके अलावा पश्चिम में उरुग्वे नदी, दक्षिण पश्चिम में रियो दी ला प्लांता का मुहाना और दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर है। उरुग्वे में सबसे पुरानी यूरोपीय कॉलोनी कॉलोनिया डेल स्कारमेंटो है, जिसकी स्थापना सन 1680 में पुर्तगाल द्वारा की गई थी। हर साल लाखों की संख्या में यहाँ सैलानी घूमने जाते हैं, जिसका बड़ा कारण है इस देश का काफी सस्ता होना। तो दोस्तों अगर आपको उरुग्वे का हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।